को ये कहना चाहते हैं, हमारी डिमांडें जो है ये बहुत दरीना है, इनको जितना जल्दी पूरा किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से ये लोग सफर हों। आज जहां देखो चारों तरफ कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिनको स्कूलों में एडमिशन लेनी है, जिनको जॉब मिलना है, वो परेशान है। लेकिन परेशानी जो है हम नहीं चाहते, हमारा दिल नहीं कहता कि हम किसी को परेशान करें, लेकिन हम मजबूर हैं। हम मजबूरी से कोई बंदा जो है वो दरी पे कोई नहीं बैठता, आज मांगने वाला भी नहीं बैठता। लेकिन हमें इन्होंने उस हद तक छोड़ दिया कि हमें आज दरी पे आना पड़ा। एक बार नहीं आए, कई बार आए। हमने इससे पहले टोकन स्ट्राइकें की, कहीं हमारे जो आला ऑफिसर हैं इनको हमारे पे इंसाफ आ जाएगा, ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आज मजबूर होके हमने ये फैसला किया, हमने नहीं किया, हमारी यूटी प्रेसिडेंट ने, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने, सब ने ये फैसला किया कि ये स्ट्राइक जो होगी, कम से कम हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट हमारे जो हैं जी, ये पे ग्रेड वाला, वो क्रिएशना वाला और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, इसमें बंद नहीं करते तो इसको इजाफा किया जाए जब तक ये 3। तहसीलदार का मेयो है ये गिरदावर से नायब तहसीलदार को प्रमोट करना, ये 75% होना चाहिए, क्योंकि बाकी वाले डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन करके ही भेजा जाता है। यहाँ पे जो मास्टर ग्रेड की पोस्ट है वो नायब तहसीलदार की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है ग्रेड के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे प्रमोशन है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है। तो यहाँ पे तजर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, क्वालिफाइड एग्ज़ाम करके जो है नायब तहसीलदारों का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, तहसीलदारों का किया हुआ है, लेकिन यहाँ 50% लोगों को ही लिया जा रहा है डायरेक्ट, और 50% बाहर से लिया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे क्वालिफाइड लोगों को लिया जाए ताकि ये लोग, ये हमने इससे पहले मुतद्दद बार जो है आला हुकाम हमारे जो हैं डिविजनल कमिश्नर साहब हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब तक भी हमने, और LG साहब भी, अपने जितनी भी डिमांड से हमने पहुँचाई वक्तन फवक्तन, हमें जो है बार बार जो है वो दिलासे दिए गए, हमें एश्योरेंस दिए गए, लेकिन हमारा कोई भी मुतालबा जो है वो अमली तौर पर पूरा नहीं हुआ। हमारे बहुत से मुतालबे थे, जैसे हमारे सदर इफ्तिखार साहब ने इससे पहले बताया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो, ग्रेड पे का मसला हो, टाइमली DPC का मसला हो, पटवार हल्के और गिरदावर सर्कल की क्रिएशन का मसला हो, या पटवार खानों की तामीर का मसला हो, या हमारे जो अलाउंसेज हैं उनकी इन्हेंसमेंट का मसला हो, हमें हर बार एश्योरेंस दिया गया कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हमारे मुतालबात पूरे होंगे, लेकिन अरसा कई साल गुजर चुके हैं, हमारा एक भी मुतालबा जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो पूरा नहीं किया गया, और हमें मजबूर किया गया है कि हमें इनडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठना पड़ गया है। हमारे साथी जो हैं पटवारी हज़रात हूँ या गिरदावर हज़रात हूँ, या 24/7 इस वक्त काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने जो है डिजिटाइजेशन का काम, जिसको एक कंपनी ने करोड़ों रुपए का ठेका लेके जो है अधूरा छोड़ के कंपनी जो है वो भाग गई, वो हमारे साथियों ने दिन रात करके 6 महीने के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी जमाबंदी थी उनको डिजिटाइज किया।